हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं और आज हम फिर से वैदिक मैथमेटिक्स के मदद से अपने इस मैथ्स को, जो कि हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स में या डिफरेंट एग्जाम्स में हर क्लास के बच्चे को इसमें मदद मिलती है, सबके काम आएगा। तो आज जिस ट्रिक या जिस तरीके को मैं लेकर के आया हूं, उसमें हम बेस 10 या बेस 100 के पास के जितने भी नंबर्स हैं उनको किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, कैसे, वही 2 सेकंड में, इजी और कन्वीनियंट वे में, कैसे हम अपने इस वैदिक मैथमेटिक्स से अपने एग्जाम्स के फियर्स को और इस मैथमेटिक्स के डर को दूर भगा सकते हैं, उस चीज का आज हम फटाफट जल्दी से सीखते हैं। अब मैं आपसे अगर ये कहता हूं कि आप जो है वो 98 और 97 को मल्टीप्लाई कीजिए, 98 और 97 को। अब 98 और 97 को मल्टीप्लाई करने के बाद में, और मैं आपको इसका आंसर जो है वो बताता हूं और उसमें आपसे कहता हूं कि भाई इसका आंसर ये है, तो कैसा लगेगा। अब मैंने जैसे ही इसको देखा और मैंने इसका आंसर जो था वो लिख दिया, ठीक, आंसर लिखा मैंने 9506। अब आप फिर से वही कहोगे कि सर आपको तो ये चीजें जो हैं वो रटी हुई है इसलिए आप फटाफट लिख देते हो। मैं कहता हूं ना भाई, जिस तरीके से इसका आंसर आया है, अगर आप वो तरीका सीख लोगे तो आप भी इस मल्टीप्लिकेशन को विद इन 2 सेकंड सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उस तरीके पर हम सबसे पहले नजर डालते हैं। तरीका क्या था हमारे पास में कि जब भी हमारे पास में कोई भी इस तरह का मल्टीप्लीकेशन आएगा, उस मल्टीप्लीकेशन में ये जो नंबर है 9506, ये आया कैसे, इसको देखते हैं। अब कहोगे अरे सर ये तो बड़ा आसान था, तो आसान था तो क्यों ना इस चीज को फटाफट जल्दी से सीख लेते हैं। अब ये जो 98 था, मैंने लिखा 98 और फिर लिखा मैंने 97, ठीक है। ये जो 98 है ये 100 से कितना कम है भाई, ये 100 से -02 पर है, और 93 100 से कितना दूर है, -03 पर, ठीक। अब आपने क्या करना है, आपकी मर्जी है, आप चाहे इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दो या इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आपकी अपनी चॉइस है। आप चाहे 98 में से 3 माइनस कर दो या 97 में से 2 माइनस कर दो, रिजल्ट वुड बी द सेम, आपके पास आंसर हमेशा बिल्कुल वही आएगा, सिमिलर आएगा। तो 98 में से 3 माइनस हुए या 97 में से 2 माइनस हुए तो कितना आया भाई, 95 आ गया, आया कि नहीं आया। और सेम ऐसे ही अगर मैं यहां से नंबर पकड़ता हूं, क्योंकि पहले इसको सॉल्व करना चाहिए, तो 3 2 मेरे पास में कितना आया, 6, और इनमें से किसी एक को माइनस किया तो 95, तो मेरा रिजल्ट आया कि नहीं आया 2 सेकंड में, कोशिश करके देखें। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं इसे आप 2 सेकंड में सॉल्व कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। मेरा नेक्स्ट नंबर है, लिखो, ये है 96 और लेट इट बी 98। चलिए फटाफट बताइए क्या आंसर होगा। तो हमने इसको कैसे, सेम वही, ये 04 और ये 02, तो आपके पास में 4 2 8 और किसी भी एक को माइनस कीजिए तो मेरे पास में 9408 आंसर आ जाएगा, है ना, आसान है कि नहीं। तो आपके पास में और देखते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास में अगर हम फटाफट जल्दी से करते हैं, तो मेरे पास में जो क्वेश्चन है बेस 10 बेस 100 बेस 1000 भी तो हो सकता है, तो नंबर ले लेते हैं 999 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 997 से, कर दें, बड़ा नंबर लेकिन नहीं, इसको भी आसानी से कर सकते हैं। ये क्या नंबर है मेरे पास में, 999। अब 999 में अगर मैं इसको देखता हूं तो ये 1000 से कितना कम है, ये है -001, और ये कितना कम है, ये है -003, तो मेरे पास सेम वही 3 1 3, तो मेरे पास 003, और यहां आप किसी एक में से कोई भी एक सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो 996003 वुड बी माय आंसर, है ना, आसान तरीका है कि नहीं। तो आपके पास में ये तो बात रही जब वो 100 से कम है या 10 से कम है या आपके पास 1000 से कम है। अगर यही चीज मैं आपको कहूं कि ये अगर 100 से ज्यादा हो, तब उस केस में जब ये 100 से ज्यादा है उस केस में मेरा रिजल्ट क्या होगा, एक बार इसको भी देख लेते हैं।
फटाफट इस चीज को देखते हैं कि अगर मेरे पास में ये चीजें 100 से ज्यादा हो, जैसे मेरे पास में नंबर है 104, दूसरा नंबर है 106, अब ये जो नंबर है ये 100 से प्लस 04 पर है और ये प्लस 06 पर है, तो आपके पास 6, जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था कि आपने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास में 6 4 24, और यहां पर आपके पास किसी भी एक को क्रॉस में, इट्स योर चॉइस कि आप किसी भी एक को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी ऐड कर दो, तो 104 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 110, सो दिस इज योर आंसर, 11024 वुड बी योर आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं, ट्राई करते हैं, अगर मेरे पास में ऐसे ही 1000 लेट इट बी 7 एंड 1008, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास में ये प्लस 007 और ये प्लस 008, ये तो जेम्स बॉन्ड हो गया है ना, 007, तो अब अगर मेरे पास में इसको मैं करता हूं तो 8 7 56, और यहां पर आप किसी भी एक को आपस में ऐड करिए तो आपके पास 1015, दिस वुड बी योर आंसर। इसके साथ साथ आज एक छोटी सी ट्रिक और बताता हूं, मान लीजिए कभी भी आपको कोई भी ये कहता है कि किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है, किसी भी नंबर को अगर आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए क्या तरीका होना चाहिए, 11 से मल्टीप्लीकेशन के लिए इसके साथ आज आपको एक बोनस देता हूं। इसमें क्या है, मान लीजिए आपको 92, इसको आपने 11 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आंसर आना चाहिए, क्या आंसर आना चाहिए, या मैं कहूं 36 है, इसको आपने 11 से मल्टीप्लाई करना है, या मैं कहता हूं आपको कि लेट इट बी 45, इसको आपने 11 से मल्टीप्लाई, आंसर कितनी देर में आना चाहिए, है ना, 2 सेकंड में, कितनी देर में आना चाहिए, 2 सेकंड में, 2 सेकंड में कैसे निकालेंगे, ना सर फिर वही गड़बड़, मैंने कहा नहीं भाई करके देखो, अगर मेरे पास में ये नंबर है तो इसका आंसर आ गया 495, 2 सेकंड में, मेरे पास नंबर था 36 तो इसका आ गया 396, मेरे पास नंबर था 92 तो मेरे पास इसका आएगा, क्योंकि ये 92 है तो आपके पास पहले 2 और फिर 1 और ये 1052, कैसे किया मैंने देख लें, अगर आपने देखना है कि कोई भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्या होता है, जैसे मैं इन चारों को देखता हूं तो मैंने क्या किया, 45 जो था इसको 4 और 5 और जो बीच की खाली जगह है यहां पर इन दोनों का सम यानी 9, 36 3 और 6 बीच की जो खाली जगह है इसमें क्या, इन दोनों का सम, 92 9 और 2 इसमें बीच में खाली जगह है इसके, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम यानी 11, तो 1 कैरी आगे चला गया इसलिए मेरा आंसर 1012 है। तो वैदिक मैथमेटिक्स या वेदों को नमन करते हुए, ज्ञान को सरल बनाते हुए आज हमने जो भी कुछ सीखा है इसे हमें सबको बताना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान की धारा को आगे तक बढ़ाते चले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।